जो आज ये अभिनंदन समारोह था, क्या कहेंगे? ये अभिनंदन मंत्री जी देवेंद्र सिंह गोगरी जी मेरे बड़े भाई, मैं इनके साथ दिशा सही नो सोच नहीं का जो हमने संस्था चलाई थी देवेंद्र सिंह गोगरी जी ने, मैं उनके साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा इतना प्रेम प्यार बना, वो मेरा अपना छोटा भाई माना। तो उसी तरह जब राइस मिनिस्टर को मुझे प्रधान बनाया गया, मैं प्रधान तो 3 साल से था, लगातार 2 साल कोरोना में हर किसान आंदोलन के कारण ये हमारे प्रोग्राम नहीं हो पाते थे। तो अब जैसे ही अब मंत्री जी बने, हमने राइस मिल का सोचनी भी शुरू है, तो इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई सारे ज़िले की और मंत्री जी का यहाँ अभिनंदन भी किया और हमारी जो थोड़ी बहुत समस्याएँ थी वो मिल जाके। तो क्या आश्वासन मिला है मंत्री जी की तरफ से? आश्वासन मिला, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जल्द से जल्दी हमारी जो बकाया राशि है और जो हमारे ये मुद्दे हैं वो मंत्री जी ही हल करवाएंगे इसका। सर कहाँ कहाँ से अपने आए थे? ये हमारे फतेहाबाद जिले से पूरे राइस मिलर आए हुए थे, भूना से, रतिया से, जाखल से, कुना से, सभी राइस मिलर थे। आज मंत्री जी को देखो, ज्ञापन और मांगे जो है हमारे टोहाना राइस मिल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, फतेहाबाद राइस मिल एसोसिएशन के मोनपुर अरोड़ा जी, उन्होंने एक अभिनंदन समारोह मंत्री जी का एक आयोजित किया था राइस मिलर एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें हरियाणा प्रदेश से मेरे साथ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और सचिन मित्तल जी जो हमारे पदाधिकारी हैं, रमेश जी, महावीर जी और बलकार जी, वो सारे साथी आए हैं। तो हमारा एक तो ये मानना था कि जैसे नया सीजन स्टार्ट होने वाला है और सरकार ने हमें पिछले 2 वर्षों से बोनस दे रही है, पिछले वर्ष का बोनस हमें मिल गया था पिछले वर्ष टाइम से, लेकिन इस वर्ष जैसे नया धान का सीजन आने वाला है, अभी 1/10 से सरकार का रहता है टारगेट कि वो धान की खरीद शुरू कर दें, और हमारा एक ये कहना है कि जब नया खरीदी शुरू हो जाए तो पिछला जो आप अपना भाई बसना तो बराबर कर लें, खाता बराबर कर लें, तो पिछला जो बोनस है और जो अन्य हमारे जो मांगे हैं कुछ वो उसमें पेंडिंग पड़े हैं तो वो हो जाने चाहिए। तो यही हमारा कहना था उसके कि बोनस का है जैसे, और ट्रांसपोर्टेशन कई मिलरों की जैसे पेंडिंग पड़ी है, लोडिंग अनलोडिंग के जिनके कोई बिल अगर पेंडिंग पड़े तो वो सारे बिल जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। मंत्री जी की तरफ से हमें आश्वासन ठीक मिला। बाकी दूसरा मैंने यहाँ बताया भी था कि हमारे डिपार्टमेंट के जो अपना फूड कमिश्नर हैं पंकज अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई हैं मुकुल जी, उनके साथ 15 तारीख को हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग फिक्स हो गई है, 15 तारीख को जाके हम उनके समक्ष ये सारी बातें रखेंगे। और उससे पहले मेरी बात जो हमारे PS2 CM हैं वी उमा शंकर जी, जो ये सारे मसले इनको देखते हैं, उमा शंकर जी से भी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर कि अभी तक बोनस नहीं मिला है, उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन ही दिया कि छाव भाई सीजन से पहले पहले आपको बोनस दे दिया जाएगा, आप पहले जो ये अधिकारी हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनसे एक बारी बात कर लें क्योंकि नए आए हैं, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे मिलकर आप इनका कार हमारा ये काम जो समय पर कर देगी।